एक्सक्यूज मी अंजलि, अरे क्या कर रहे हैं अतुल जी, गिर जाएंगे आप। चलिए ना, चलिए, या या अरे अरे बैठ, अरे अतुल पाशा चलिए ना, ये अरे एक सेकंड, चलिए ना, थक गया ऊपर। अंजलि मुझे पता नहीं था कि इसकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं। कहां जाना, हॉस्पिटल तो जाओ। चल जल्दी, जहां हम यहां से निकल पहले। अंजलि, 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 पता है जब अंजलि उठेगी उसको पता चल जाएगा कि मैंने ये सब किया, तो वो मेरे साथ क्या क्या करेगी। क्या क्या करेगी? अरे वो सब कुछ नहीं करेगी यार, वो मुझे डीस्किन करके मेरी खाल में भूसा भरवा के सरकारी म्यूजियम में टांग देगी। अभी इसके बाप को जब पता चलेगा तब मेरे साथ क्या करेगा, वो सोचा तूने? अरे मैं उनको कुछ दूंगा ही नहीं करने को। फिर क्या से क्या हो गया अंजलि, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया। अरे साले, मैं कब से इधर साफ कर रहा हूँ, तू उसमें पाँव रख रहा है? अरे चुप कर, चुप कर, अपना काम कर। डॉक्टर शशांक यहीं आ रहे हैं। डॉक्टर शशांक यहीं आ रहे हैं। डॉक्टर शशांक के बहुत अच्छे नहीं पहनने देंगे मुझे, वार्ड बॉय के कच्चे। और वैसे भी रिद्धिमा ने तो बताया ही होगा ना कि हम लोग अंजलि को रिसीव करने जा रहे हैं। तू रिद्धिमा को पता है आशा के ब्रिलियंट प्लान के बारे में? यार मान भाई, आपका हमारा प्लान बाग कैसा लगा, चकाचक है ना? चकाचक लगा प्लान आपका, चकाचक लगा। नीरेश कैसे हो गए यार? अबे यार इसका भी डिंग डोंग बेल हो गया है। अबे अंदर खींच मुझे, अबे खींच, अबे मुझे, अबे थोड़ी धीरे चला। अबे ठीक से हमको इसको लेके नहीं जाना हॉस्पिटल। अरे साले इसको लेके जाना है कि मुझे? अबे मुझे हिचकी आ रही कि गाड़ी खराब हो गई। बस इसी की कमी थी, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है यार। ओ वो आता है कुछ? क्या आता है, मैं गाड़ी का डॉक्टर थोड़ी हूँ। अब यार यहाँ तो कोई टैक्सी स्टैंड भी नहीं है। अतुल कहाँ? अतुल अंधे को ठीक कर, अमित अंधे के साथ है। अबे नॉक करके नहीं आ सकते कि अभी अंजलि गिर जाती तो? गाड़ी की डोर पे कौन नॉक करता है? अबे दरवाजा कोई भी हो, नॉक करके आना चाहिए ना, अभी अंजलि गिर जाती तो। तू कर क्या रहा है? अबे यार तुझे पता नहीं है अंजलि को पसीना हो रहा था और उसे एसी के बगैर रहने की आदत नहीं है यार। अबे तू पसीना छोड़, अगर थोड़ी देर और बैठा रहा ना अंदर तो फ्राई हो जाएगा। अरे अंजलि को मैं फ्राई होने ही नहीं दूंगा। अबे अंजलि नहीं, तू फ्राई हो जाएगा। मेरा चलेगा, तू अपना काम करना यार। और हम इशारा करेंगे तो अंजलि को बाहर लेके आना, ओके? अरे लेकिन दरवाजा खुला रख, मुझे पता कैसे चलेगा तू इशारा करेगा तो? कान से यार दिखेगा तुझे। अरे हाँ हाँ, शीशा है, शीशा है। गाड़ी आ रही। तू रोक गाड़ी को, मैं उनको लेके आता। हाँ मैं रुका। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अभी गाड़ी आ गई, चल चल। अबे रुक रुक रुक, मैं उठाता हूँ। अभी कैसे उठाएगा? तू चांस मत मार मेरी अंजलि पे, मैं आता हूँ। रुक जा। आ जा आ जा। अबे यार चांस नहीं मार रहा मैं। आइए ले, ये ले, तो उठा के।
अजीब लोग हैं, फोन काट दिया। मैं कभी राहुल को फोन करती हूँ। फोन साइलेंट नहीं रख सकते क्या? ओए, उस गधे ने मेरा फोन भी काट दिया। अरे बात क्या है, ये लोग फोन क्यों काट रहे हैं हमारा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अंजलि को बेहोश करने का आइडिया किसका था? सर, एक्चुअली वो Yes, of course, Dr. Malik. आपके होते हुए मुझे ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए था, right? नहीं, सर, लेकिन मैंने लेकिन what, Dr. Arman Malik? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लेकिन आप बेकसूर हैं? एक बच्चे की तरह आपने इनका हाथ पकड़कर इनका साथ दिया, is that what you're saying? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। हम सिर्फ अंजलि को सरप्राइज करें। सरप्राइज? क्लोरोफॉर्म सुंघाकर, बेहोश करवाकर? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नहीं सर, सरप्राइज था सर, आई मीन सरप्राइज पार्टी। पार्टी? हाँ सर, पार्टी पार्टी। और उस पार्टी में आने से अंजलि ने मना भी कर दिया। इसलिए सर? हाँ, इसलिए आपने उसे बेहोश किया, किडनैप किया, ताकि आप उसे जबरदस्ती पार्टी में ले जा सके। नहीं सर, नहीं सर, वो ये मिस्टर गोगिया ने क्लोरोफॉर्म सुना। मेरे प्यारे अतुल, मैंने पार लगा दी। एक्सलेंट। आई मस्ट से डॉक्टर मलिक, अनदर फेदर इन योर कैप, इजंट इट? प्लीज लीव, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। क्या यार, क्या करने चले थे और क्या हो गया? आई नो यार, बेचारी अंजलि भी बेहोश हो गई फालतू में। भाई तेरे को अंजलि की पड़ी है या फिर डॉक्टर शशांक ने हमारी बैंड बजा दी है? और अरमान की बैंड क्या पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा दिया? आई नो यार, एक्चुअली पता है सारी की सारी मेरी गलती है। नहीं नहीं, एक्चुअली ना सब गोगिया पाशा की वजह से हुआ है। डॉक्टर शशांक के सामने बोलना था ना ये सब? वहां पे तो बीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था। लेकिन यार तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे यार, इन लोगों को क्या बताएंगे? गाइस, ये कैसा मजाक है? मुस्कान और मैं उसके घर पे तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे और तुम लोग यहाँ बैठे हो और तुम लोग हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हो। ओए पिद्दी, आई मीन राहुल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अरे यार, एक्चुअली रिज, तुम डॉक्टर शशांक को बताने वाली थी ना कि अंजलि को लेने हम जा रहे हैं? नहीं, मैंने पापा को फोन किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने नानी को बोला था उन्हें बताने के लिए। और नानी ने उन्हें बताया नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम। पर बेचारे अरमान को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। रहने दे राहुल, जो होना था वो हो गया। अरमान, रिजवान, मैं बताता हूं। ओए, तेरे दिमाग में कोई खराबी है क्या? यार अब मैंने क्या किया है? ओए, तू उस डॉनवन के साथ घूम रहा है, पता है कितना खतरनाक हो सकता है? देख मुस्कान, मैं जानबूझ के वहां नहीं गया था, वो खुद वहां पे आ गया था, मैं क्या करूं यार? तेरे में शरीफी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना कि फोन करके बताए, ऊपर से मेरा फोन काट दिया। पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? नहीं बस देख रहा हूँ कि तू तो सच में मेरी बॉटी बन गई है। ऐसी लड़ाई कर रही है जैसे
बीवी हो मेरी, ऐसे फिक्र करिए जैसे मैं सच में तेरा। चल जाने दे। वैसे भी ये कौन सी बात हुई, हर रोज सुबह गीजर चालू रख के चला जाता है। बिल कौन तेरा बाप, तेरा चाचा भरेगा क्या? मुस्कान मेरे खानदान पे मत जा। मैं तेरे खानदान पे नहीं जा रही हूँ, मैं तुझ पे जा रही हूँ। और ये क्या बात हुई यार, सुबह उठे कितना क्या भाई का भाई। और ये जो तेरे कपड़े ना, अगर कल से वॉशिंग मशीन की जगह पे बाथरूम में मिले ना, मैं सच में जला दूंगी। और तू क्या बक 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 करी जा रही है, मैं नहीं तुझे झेल रहा क्या? तेरे जो मोटे मोटे गोल गोल बाल है ना, सारे बाथरूम की नालियों में फंसे हुए हैं। और तू क्या क्या लगाती है अपने थोबड़े पे, ड्रेसिंग टेबल की टेबल तक नहीं देखी मैंने आज तक। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो मुझे छोड़ के चला जाना, किसने मना किया है? चला जाऊं? करने की क्या जरूरत थी अरमान? ऐसा क्या किया मैंने रिद्धि? अरमान तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? यू नो, मैं तुम्हारी इमेज पापा के सामने इंप्रूव करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। रिद्धि मैंने ऐसा क्या कर दिया और कौन सा इल्जाम अपने सर पर ले लिया? पापा जो भी कहते रहे वो तुम चुपचाप सुनते रहे, ये भी तो इल्जाम लेने वाली बात ही हुई ना। और फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब अतुल के डॉन दोस्त वहां आए थे तो तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए था। रिद्धिमा ये तुम कैसी बातें कर रही, बोलने से पहले सोचा तो कर। वो सब इतना अचानक से हुआ कि सोचने का वक्त ही नहीं था। और रिद्धिमा मैं उसे छोड़ के कैसे चले जाता, अंजलि को ऐसे बेहोशी की हालत में वहां अकेला छोड़ के चले जाता। अरमान यही बात तुम पापा को भी बोल सकते थे। क्या खाक कहता तुम्हारे पापा से, तुम मेरी बात शुरू होने से पहले मुझे काट देते जैसे कि तुम अभी कर रही हो। यू नो तुम्हारे पापा ने मान लिया कि अगर कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलती हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, ये वो मान चुके। अरमान क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तो तुम हमेशा वहां होते हो और फिर तुम हीरो बनने की कोशिश करते हो और सबकी तरफदारी करते हो। यू नो राहुल और अतुल भी तो वहां थे लेकिन पापा ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। अरमान कम से कम तुम पापा को ये तो बता देते कि मुझे इस बारे में पता है और तुमने मुझे बोला था उन्हें बताने के लिए। पापा ने एटलीस्ट ये तो पूछा होगा ना कि कोई और जानता है या नहीं। उन्होंने पूछा था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो तुमने पापा को ये नहीं बताया कि मुझे पता है इस बारे में? नहीं। What's wrong with you, अरमान? तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ? रिद्धिमा, उस वक्त सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था और मैंने सोचा कि उस वक्त दोस्तों को बचाना ही सही रहेगा, इसलिए मैंने वही किया। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है अरमान कि तुम सोचते ही नहीं हो। तुम्हें लगा कि तुम मुझे बचा लोगे, राइट? लेकिन तुमने ये सोचा कि पापा के सामने तुम्हारी रेपुटेशन कितनी बिगड़ जाएगी? खैर तुमने जो करना था तुमने किया, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तुम क्या करने वाली रे? तुम मैं पापा को बता दूंगी
कि मुझे पता था और गलती भी मेरी थी। यस रिधिमा, पापा आज जो भी हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी। पापा मुझे पार्टी के बारे में पता था, पापा मुझे पार्टी के बारे में पता था और अरमान ने मुझे बोला था आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि आप एयरपोर्ट ना जाएं, लेकिन पापा वो रिधिमा, पापा वो आपका फोन रिधिमा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। पापा मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी पापा? अपने दोस्तों को बचाने के लिए। नहीं पापा, मैं पापा जो सही है मैं आपको वो ही बता रही हूँ। अरमान ने कुछ नहीं किया पापा। रिधिमा, डॉक्टर अरमान मलिक को बचाने के लिए तुम इल्जाम अपने सर पर ले रही हो। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। बस रिधिमा प्लीज, डॉक्टर अरमान मलिक के बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। पहले मुझे अपनी राय पर शक था, लेकिन आज की हरकत और तुम्हारे इस झूठ के बाद मेरा शक यकीन में बदल चुका है। लुक रिधिमा प्लीज बैठो, प्लीज प्लीज बैठे। रिधिमा, तुम बड़ी हो चुकी हो। आज तक मैंने नहीं समझा कि मुनासिब है कि मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल दूं, लेकिन बेटा मैं आज तुम्हें साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम डॉक्टर अरमान मलिक के साथ प्रोफेशनल के अलावा किसी भी तरह का इंटरेक्शन मेंटेन करो। वो इंसान दोस्ती के लायक नहीं।